माध्यमिक फिजिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 कंसर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट के आज के इस वीडियो में मैं रैशनल यूज ऑफ एनर्जी के अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी को डिस्कस करूंगा। मैंने पिछले दो वीडियोस में आप लोगों को सोलर और विंड की एनर्जी के बारे में बता दिया है, आज हम लोग टाइडल पावर के बारे में जानने वाले हैं। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डिटेल्स में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेस्ट बंगाल बोर्ड माध्यमिक फिजिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 कंसर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट के रैशनल यूज ऑफ एनर्जी की इस वीडियो सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी को। अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हम लोगों ने पिछले दो वीडियोस में सोलर एनर्जी और टाइडल एनर्जीज को समझ लिया है, टोटल 7 है, जिसमें से आज हम थर्ड टाइडल पावर को समझेंगे, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। देखते हैं अपने स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि जो टाइडल पावर हमारे पास है उसके दो एडवांटेजेस और दो डिसएडवांटेजेस बताए गए हैं। टाइडल पावर से मतलब ये है कि जो सी है, सी में जो टाइड्स उठते हैं उन टाइड को यूज़ करके भी हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या है? अदर फॉर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सच एज विंड एंड सोलर एनर्जी आर डिपेंडेंट ऑन रैंडम वेदर पैटर्न्स, बट टाइडल एनर्जी इज बेस्ड ऑन द राइज एंड द फॉल ऑफ द टाइड्स विच इज़ मोर यूनिफॉर्म एंड रिलायबल। तो ऑब्वियस बात है, अगर मैं इस सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करूँ तो ये मोर रिलायबल होता है और मोर यूनिफॉर्म होता है इन कंपेरिजन टू द प्रीवियस टू, यानी कि सोलर और विंड। सोलर में हम लोगों ने लिमिटेशन देखा था कि सोलर अगर सनलाइट नहीं है, यानी नाइट टाइम है, या फिर अगर क्लाउडी वेदर है तो आपको सनलाइट नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन में आप सोलर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। विंड एनर्जी के केस में क्या है, अगर आपको विंड ब्लो प्रॉपर नहीं मिल रही है तो भी आप नहीं कर पा रहे हैं। तो इन दोनों लिमिटेशंस को बहुत हद तक मिनिमाइज कर देती है टाइडल, क्योंकि टाइड्स हमेशा आते हैं सी में, जिससे आपको जिसमें यूनिफॉर्मिटी भी मिलेगी और आप इस पर ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज, इट डज नॉट रिलीज ग्रीन हाउस गैसेज एंड अदर पॉल्यूटेंट्स इन टू द एयर। ऑब्वियसली हर एक की तरह इसके भी ये खासियत होगी कि ये पॉल्यूशन फ्री होगी। तो जैसा हम लोगों ने पिछले में देखा था, ये भी इनएग्जॉस्टेबल होगी और रिन्यूएबल होगी। तो हम लोगों ने एडवांटेजेस देख लिए हैं, चलिए अभी डिसएडवांटेजेस देखते हैं। टाइडल एनर्जी डेवलपमेंट इज हैम्पर्ड बाई हाई अपफ्रंट कॉस्ट। तो इसका जो अपफ्रंट कॉस्ट है, यानी जो इनिशियल कॉस्ट है, वो बहुत हाई होता है। देर आर ऑल्सो लिमिटेड सुटेबल लोकेशन फॉर टाइडल एनर्जी। तो ऐसा नहीं है कि टाइडल एनर्जी में जहाँ भी टाइड्स आ रहे हैं, हर जगह सी में जहाँ टाइड्स आ रहे हैं वहाँ पर आप इसे सेटअप कर सकते हैं। तो इसके कुछ लिमिटेड जियो लोकेशंस भी हैं, तो लोकेशन एक प्रॉब्लम हो रही है और जो अपफ्रंट कॉस्ट आता है वो भी बहुत हाई होता है। थर्ड जो पॉइंट दिया गया है, द एनर्जी विच इज ऑब्टेंड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग करेंट्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाई द राइज एंड द फॉल ऑफ द सी लेवल ड्यू टू टाइडल एक्शन इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। तो यहाँ पर टाइडल एनर्जी को बेसिकली डेफिनेशन बताया गया है, आप इन दोनों को ही एज अ लिमिटेशन अपने मेंशन कर सकते हैं। तो ये था हमारा टाइडल पावर, और टाइडल पावर में के हम लोगों ने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को समझ लिया। आई होप ये वीडियो क्लियर रहा होगा। अगले वीडियो में हम लोग आने वाले नेक्स्ट टॉपिक को, जिसमें जियोथर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू टेक।